नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की एक खास योजना है। इस योजना से गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक आर्थिक मदद की जाती है। इसमें आपको कैसे आवेदन करना है, कौन पात्र होगा, किन बीमारियों के लिए योजना का लाभ मिलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और इलाज का खर्च नहीं उठा पाने वाले मरीजों के लिए इस स्कीम को लागू किया है। सरकार ने संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए 2020 में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, पर क्या हर कोई इसका लाभ उठा सकता है, शर्तें क्या है, आइए एक नजर उस पर भी। योजना से 20 लाख रुपए के लाभ के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के योजना का लाभ उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिनका बीमारी का उपचार योग्य होना चाहिए। इलाज के बाद कम से कम 2 साल तक जीवित रहना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा। एक बीमारी के उपचार के लिए एक ही बार ही योजना का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने योजना का लाभ देने के लिए दुर्लभ बीमारियों की सूची बनाई है। इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। बताया गया है कि इनमें लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी, हार्ट, फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हार्ट और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हार्ट से जुड़ी बीमारी जिसका अन्य योजना में लाभ उपलब्ध नहीं हो या राशि समाप्त होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दुर्लभ बीमारियों की सूची तैयार की गई है। इसमें हीमोफीलिया फैक्टर 8-9 की स्थिति में इसमें भी शर्तें रखा गया है कि अन्य योजनाओं में लाभ उपलब्ध ना हो या लाभ लेने के बाद राशि समाप्त होने के बाद भी पात्र होंगे। इसी तरह कैंसर जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या योजना की राशि समाप्त हो गई हो तब इस योजना के लिए पात्र होंगे। एप्लास्टिक एनीमिया के लिए भी पात्रता होगी, लेकिन इससे पहले अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के बाद राशि समाप्त हो जाने पर कैंसर के मरीज भी पात्र होंगे। वहीं कॉक्लियर इम्प्लांट बीमारी होने पर 7 लाख तक के बच्चों के लिए पात्रता रखी गई है। इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम्स को शासकीय चिकित्सालय में योजना से इलाज किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य शासन की चल रही प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को लाभ मिलेगा। इसके लिए मरीज के नाम पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए जिला चिकित्सा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वही आवेदन के बाद विशेष समिति की अनुशंसा पर पैसे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बीमारियों की सूची में तकनीकी समिति की अनुशंसा से आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक में।